नमस्कार, मी मनीषा जयप्रकाश। आपण पाहत आहात लोकसंदेश न्यूज। पाहूया आजच्या सविस्तर घडामोडी। पर्यावरण रक्षण, अन्न सुरक्षा यांच्या माध्यमातून राज्याकडून घेतल्या गेलेल्या शाश्वत विकास धोरणांची दखल घेत 15व्या कृषी नेतृत्व समितीचा 2024 प्रतिष्ठित सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य पुरस्कार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हा पुरस्कार राज्याचे कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्यासोबत स्वीकारला। केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या हस्ते हा पुरस्कार काल नवी दिल्ली येथे प्रदान करण्यात आला। 15व्या कृषी नेतृत्व समितीच्या 2024 कॉन्क्लेव्हचे ॲग्रिकल्चर टुडे समूहाच्या वतीनं आयोजन करण्यात आलं होतं। सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश आणि केरळचे राज्यपाल पी सदाशिवम यांच्या अध्यक्षतेखाली 15व्या कृषी नेतृत्व पुरस्कार समितीने राज्यातील पर्यावरण रक्षण, अन्न सुरक्षा आणि शाश्वत विकास धोरणांची दखल घेत महाराष्ट्राची सर्वोत्तम कृषी राज्य म्हणून निवड केली आहे। पुरस्कार वितरण सोहळ्यात केंद्रीय रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, ॲग्रिकल्चर टुडे समूहाचे अध्यक्ष डॉक्टर एम जे खान, राज्याच्या कृषीमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते। लीडरशिप कॉन्क्लेव में उपस्थित हमारे आदरणीय कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और या उपस्थित जस्टिस पी सदाशिवम जी, हमारे कृषि मंत्री धनंजय मुंडे जी और यहाँ के एग्रीकल्चर टुडे के ग्रुप के प्रेसिडेंट एम जे खान, उपस्थित सभी मंच पर महानुभव और इस सदन में सभागृह में उपस्थित सभी मान्यवर, मैं सभी को मेरा सादर प्रणाम। पाशा पटेल जी है हमारे, शेखर भोसाभाई जी है और कई पुरस्कारी जो है उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। महाराष्ट्र ये कृषि क्रांति का जनक राज्य है। महाराष्ट्र में हरित क्रांति की समृद्ध परंपरा है। कृषि और किसानों का सम्मान करने की हमारी गौरवशाली परंपरा भी है। ऐसे महाराष्ट्र राज्य के प्रमुख के रूप में यह पुरस्कार पाकर मुझे सर बेहद खुशी हो रही है और आनंद भी है। एक सामान्य किसान परिवार का बेटा हूं मैं और आज मुख्यमंत्री के रूप में यह पुरस्कार ग्रहण करते हुए मुझे आनंद और गौरव की अनुभूति हो रही है। कृषि क्षेत्र में देश सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में महाराष्ट्र का चयन करने के लिए मैं एग्रीकल्चर टुडे और माननीय परीक्षण बोर्ड के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। I express my heartfelt gratitude to Agriculture Today and the Honorable Examination Board for selecting Maharashtra as the best performing state in the agriculture sector. I believe this award is also an honor for all the farmers of my state. Ye puraskar mere kisanon ka hai और ये सम्मान भी हमारे राज्य के किसानों का है। श्रम, कड़ी मेहनत और मिट्टी के प्रति उनके प्रेम का ये पुरस्कार है, ऐसा मैं मानता हूँ। किसान लाखों करोड़ों का पोषक है। अब महाराष्ट्र में किसान को अन्नदाता कहते हैं और किसानों के हितों में राज्य सरकार ने
सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, उसका सम्मान हो रहा है, यह भी मेरे लिए खुशी की बात है। महाराष्ट्र के किसान हमेशा आधुनिक तकनीक का उपयोग करने के लिए उत्सुक रहते हैं। कई प्रगतिशील किसानों का गौरव हमारी सरकार हर साल करती है, क्योंकि उनको एक प्रोत्साहन मिले और कई ज्यादा संख्या में प्रगतिशील किसान आगे आए और नए नए जो तकनीक है उसका इस्तेमाल भी करें, जिससे किसानों को फायदा होता है। हमारे शेखर भड़सावड़े यहाँ पर है, उनका मैं निश्चित रूप से यहाँ पर उल्लेख करना चाहता हूँ कि उतनी मेहनत में किसानों को ज्यादा फायदा, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, वो ऐसी तकनीक उन्होंने भी सगुना राइस तकनीक के माध्यम से अपनाई है। और निश्चित रूप से महाराष्ट्र के किसान इसमें आगे बढ़ रहे हैं। बदलते समय, बदलती जलवायु, देखते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और विभिन्न फसलों और समय के साथ बदलती जरूरतों के प्रति पूरी तरह हमारा किसान जागरूक है। यही कारण है कि महाराष्ट्र इस क्रांति में आगे बढ़ रहा है। मैंने यूएन के जनरल सेक्रेटरी की एक स्पीच सुनी थी, उन्होंने कहा था कि तापमान बढ़ने का युग अब समाप्त हो चुका है, अब बर्निंग का युग शुरू हुआ, इसलिए हम देखते हैं 50 डिग्री, 48 डिग्री, 52 डिग्री। अब इस खतरे से बचने का रास्ता क्या है? वृक्ष लगाओ और कोल बेस्ड थर्मल प्लांट बंद करो। और इसलिए हमारी सरकार ने, आशा पटेल इधर बैठे यहां पर, वृक्ष लगाना है तो कौन सा लगाना है जिससे किसानों को आमदनी भी बढ़े, कार्बन भी कम हो और उसका इंडस्ट्रियल यूज भी हो। ये वृक्ष है बांस, मराठी में हम इसे बांबू कहते हैं। बांबू मिशन मंत्री जी, हमने महाराष्ट्र में उसको बहुत ही प्राथमिकता दी है। मोदी जी भी हमेशा कहते हैं कि बांस एक खास घास है, बांबू अभी बांस नहीं घास है, और इसलिए ये बांस से 2000 प्रकार की वस्तुएं बनती है। उससे अभी